दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन में जियो का सिम यूज करते हो और अभी तक आप अपने फोन में जियो 4G चला रहे हो, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर जियो 5G को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपको फ्री अनलिमिटेड डेटा मिले, वो भी 5G इंटरनेट स्पीड में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे फोन में अभी 4G कनेक्ट है, यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से अपने फोन के अंदर जियो 5G को एक्टिवेट करूंगा और मुझे फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, जितना मन उतना मैं अपने फोन में इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, वो भी 5G इंटरनेट स्पीड में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर जियो 5G को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ताकि आपको फ्री अनलिमिटेड डेटा मिले, जितना मन उतना आप अपने फोन में इंटरनेट को यूज करो, वो भी 5G इंटरनेट स्पीड में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है माई जियो, यहां पर आपको माई जियो सर्च करना है। और जैसे यहां पर आप माई जियो सर्च करेंगे, यहां पर आपको माई जियो नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको माई जियो के नाम से, जो कि जियो का एप्लीकेशन है। अगर आपके फोन में 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको माई जियो एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और इसी के अंदर मैं आपको कुछ खुफिया सेटिंग बताऊंगा। और उसे करने के बाद आपका कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, आप सभी फोन के अंदर 5G इंटरनेट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहीं पर आपको कुछ नया सेटिंग्स करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले यहां पर कुछ ऐड आएंगे, तो यहां से ऐड को कट कर देते हैं। यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल प्रीपेड के बगल में, यहां पर आप देख सकते हैं एरो का एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस एरो पे टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन। और नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेट स्टार्ट के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर सारा स्कैनिंग होगा कि भाई आपके फोन में किस वजह से आपके फोन में 5G नहीं चल रहा है। कोई भी यहां पर एरर होगा तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर उसे फिक्स करना होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले एक ऑप्शन आता है अपडेट का, यहां पर जियो वेलकम ऑफर यहां पर ठीक हो चुका है, यहां पर हैंडसेट 5G कंप्लीट यहां पर ठीक हो चुका है, ठीक है। यहां पर एक एरर बता रहा है इफ योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन, यानी कि अगर आपका फोन अपडेट है तब यहां पर आपको आई हैव अपडेटेड करना है। अगर आपका फोन अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने फोन को अपडेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके फोन में 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका जो फोन है वो नया वर्जन नहीं होगा, यानी कि आपका फोन अपडेट नहीं होगा, इसलिए आपके फोन में 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले अपडेट नाउ पे टैप कीजिएगा और अपने फोन को अपडेट कर लीजिएगा। अगर अपडेट है तो यहां पर आपको आई हैव अपडेटेड पे टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर एक और एरर आ रहा है चेक योर 5G सेटिंग्स के नाम से, और नीचे में आपको गो टू सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आप अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल नेटवर्क के नाम से, डायरेक्टली आपको मोबाइल नेटवर्क के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोर सेटिंग्स के नाम से, यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको 5G नेटवर्क मोड के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। और ये क्या होता है ना, हम सभी के फोन के अंदर NSA मोड पे होता है, इस वजह से क्या होता है कि आपके फोन में 5G कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर सबसे ऊपर में आपको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद अभी भी मेरे फोन में 5G कनेक्ट नहीं हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, बैक चले आना है, आपको मोबाइल नेटवर्क के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर जितने भी आपके फोन में सिम लगे होंगे ना, सारा यहां पर आपका शो कर देगा, क्योंकि हम अपने फोन के अंदर दो दो सिम यूज करते हैं। लेकिन जिस सिम कार्ड में आपका जियो का सिम होगा और जिससे इंटरनेट यूज करते हो, डायरेक्टली यहां से उसे सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है प्रिफेरेड नेटवर्क टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। और ये क्या होता है ना, हम सभी के फोन के अंदर 4G 3G 2G ऑटो पे सेट होता है। तो यहाँ पर आपको कभी भी 4G 3G 2G ऑटो पे सेट नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5G 4G 3G 2G ऑटो इस पर आपको सेट कर देना है। ठीक है, सेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी सेटिंग था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फोन में 5G कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, मेरे फोन में यहाँ पर 5G कनेक्ट हो चुका है और मुझे अब फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जितना मन उतना मैं अपने फोन में इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, वो भी 5G इंटरनेट स्पीड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपने फोन के अंदर 5G इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपको 239 से ऊपर का रिचार्ज करवाना होगा। क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई भाई कितने का रिचार्ज करवाना होता है, तो भाई 200 रुपया से एबव आप अपने फोन में रिचार्ज करवाओगे जियो का, तब जाकर आपको 5G फ्री में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। नहीं तो आपके फोन में 5G फ्री में अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए आपके पास 5G फोन होना जरूरी है। अगर आपके पास एक 4G फोन है फिर भी आपके फोन में 5G इंटरनेट नहीं चलेगा, आपके पास 5G फोन होना जरूरी है और कम से कम 200 रुपया से ऊपर आपको रिचार्ज करवाना होगा, तब जाकर आपके फोन में 5G फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपने फोन में बिंदास होकर इंटरनेट को यूज कर सकते हो जितना मन उतना। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी लोगों के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।